हेलो गाइस, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएससी वैकेंसी पर। और आपको पता है कि अभी जो है, एक तो सबसे पहले तो कोर्ट केस की कि भाई आपका जो है कोर्ट केस में क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो देखिए यही है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे लगातार बातें चल रही हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो आपकी जो आपका रिजेंडर सबमिट होना है उसमें टाइम लगाया जा रहा है, जानकारी या कुछ भी इस तरीके की बातें चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे परेशान हैं कि भाई इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें आगे जाके क्या होगा यूपीएससी वैकेंसी में। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक रिजेंडर नाम की चीज़ होती है, रिजेंडर नाम की। और जब हम किसी चीज़ का काउंटर करते हैं ना, जैसे भर्ती बोर्ड ने एक स्पष्ट जवाब दिया उसको कैरम हाईकोर्ट को कि इस वैकेंसी में कुछ नहीं हुआ है, इस टाइप की बातें करी। अब क्या है, अब हमारा जो है, हमारा काम है कि हम पूरे अच्छी तरीके से इसको जवाब दें। और उसमें बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो बार बार अपडेट करने पड़ रहे हैं बार बार। और ये चीज़ें 10 सितंबर तक सब मामला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, चाहे वो कोई सी भी आपकी याचिका हो, चाहे 3737 हो, 4581 हो, APC वाली हो, या और उसमें ये नहीं है कि सभी रिट्स में रिजेंडर सबमिट होना है, एक दो में ही होना है, और ये हो जाएगा आपका। दूसरी बात, आपकी ए पी सिंह सर की 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में आपकी एक हियरिंग होनी है, और उस हियरिंग में बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आपको यकीन से दिला सकता हूँ, मैंने एक वीडियो डाली थी अभी 3 दिन पहले, शॉर्ट वीडियो, फिर मैंने वो डिलीट कर दी। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ का आश्वासन दे सकता हूँ। देखिए, ये टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि किस प्रकार से केस चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, ये चीज़ें एक टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि तैयारी शुरू कर दो। क्या है, तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी किस लिए, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, बहुत कम टाइम मिलेगा। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी वैकेंसी में किस वे में बात कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। क्योंकि देखिए, मैं खुल के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है। जब मैंने वीडियो वो डाली थी, परसों शाम डाली थी, क्या वो शॉर्ट वीडियो थी, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया था, शॉर्ट्स वीडियो उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो आपको पता है, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से वीडियोज़ बनती हैं। तो पर मेरे एक दो लोगों ने देख लिया, वो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भाई आप जो इसमें बोल रहे हो सीधा का सीधा कि आगे ये एग्ज़ाम होगा और आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आप इस तरीके से ना बोलो, क्योंकि अभी यूपीएससी का मुद्दा कोर्ट के अधीन है, ठीक है। तो मैंने फिर वो वीडियो डिलीट कर दी। पर मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट भाई देखो, मैथ्स और रीजनिंग और GS और आपकी हिंदी, ये तो भाई आपकी कॉमन है, यूपी के एग्ज़ाम्स में ये तो चीज़ें कॉमन है ना। एटलीस्ट इसको तो देख लो, इसकी तैयारी तो कर लो। बाद की जो मूल विधि होगी आपका, जो संविधान होगा, संविधान भी आपका जो है मोस्टली सभी एग्जाम्स में आता है, अलग से क्या है, मूल विधि तो है, बस वो बाद में पढ़ लेना। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप देखिए, कोर्ट केसेस चलेंगे तो ये जो सेप्टेम्बर का महीना है ना, सेप्टेम्बर का, इसमें आपकी 3 से 4 हियरिंग होगी। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये मत सोच लेना कि सेप्टेम्बर में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। कम से कम सितंबर से अक्टूबर, ये आपको कम से कम, जब आपने इतना वेट किया है तो 60 दिन का आप वेट कीजिए, 60 दिन का, ठीक है ना, 60 दिन का आप वेट कीजिए। और मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 90 दिन, ठीक है ना। पर जो लोग आपको डरा रहे हैं कि भाई इसकी जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फ़िलहाल जब तक ये क्लियर नहीं होगा, पूरा क्लियर कट नहीं होगा, भर्ती बोर्ड भी ये नहीं चाहता है कि कुछ चीज़ें 2016 की तरह, जो 2016 भर्ती में हुई थी कि ट्रेनिंग के बाद में ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सेकंड बैच में फर्स्ट बैच, भर्ती बोर्ड भी ये नहीं चाहता, इसमें सीधा क्लियर डायरेक्शन लेना चाहता है। मतलब सिवाय सब वेट कर रहे हैं, और अभी कोई जल्दी भी नहीं है, ठीक है ना, अभी कोई जल्दी भी नहीं है। एक तो देखो, ट्रेनिंग सेंटर्स की क्षमता वो बढ़ाई जा रही है, दूसरी बात है आपकी प्रमोशन से जो गए हैं लोग उनकी ट्रेनिंग, ठीक है ना, उनकी ट्रेनिंग, और उसके बाद में आपका नंबर आएगा। तो अभी कोई भर्ती बोर्ड को इतना भी जल्दी नहीं है कि भाई आपके जो सभी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो खाली पड़े हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप ये मानिएगा, देखो आपको ही पता है 2024 में आपके इलेक्शंस हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें इतनी जल्दी फाइनल नहीं होने वाली, आप थोड़ा सा समझदार बनिए, ठीक है ना। यूपी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आपने देखा है, जनवरी 2022, अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है आपका सेप्टेम्बर 2022, और अब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। जनवरी में आपको पता होगा, जनवरी फरवरी के माह में टेंडर की बात चली थी, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए लटकाई जा रही हैं क्योंकि 2024 में आपका इलेक्शन,
ठीक है ना। और भर्तियाँ पहले ही कंप्लीट कर देना, लोग इलेक्शन के टाइम पे भूल जाते हैं। तो हर कोई सरकार यही सोचती है कि इलेक्शन के टाइम पे हम ये बोलें कि हमने 9,534 दरोगा भर्ती कर दिए, हमने 26,000 के समथिंग आपके कॉन्स्टेबल भर्ती कर दिए, 8,000 के समथिंग आपके जो है लेखपाल भर्ती कर दिए, और अभी अभी जो आपका पैट 2022 है, पैट 2022 उसको अच्छे से दे लेना। एक तो इसकी आपकी आएगी वीडियो की वैकेंसी आएगी 4,000+, ठीक है जी। एक आपकी आएगी लेखपाल की, क्या आएगी, एक लेखपाल की आएगी 4,000+। और ये आपका जो है आपका जो यूपी जो आपका इलेक्शन है 2024 का, उसको लेकर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस के भी इस बार अच्छे पद बता रहे हैं, कम से कम 4,000 पद, ठीक है। और आपका जो है फूड इंस्पेक्टर या फिर फॉरेस्ट गार्ड, पता नहीं, फूड इंस्पेक्टर की शायद उसकी भी आ रही है, मतलब तकरीबन तकरीबन 4 से 5 वैकेंसी ऐसी हैं जो आ रही हैं। और ऊपर से कॉन्स्टेबल, और देखिए कॉन्स्टेबल में सबसे बड़ा है एज रिलैक्सेशन, कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए वो बात की है, अभी एज रिलैक्सेशन कुछ क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। हाँ अब देखिए 9,534 पर मैं अगर आऊँ तो अभी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर नहीं होने वाली। अगर भाई मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर माननीय न्यायालय जी भी जाँच के आदेश देते हैं, उसके बाद में री एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। एक मैं आपको वो बता रहा हूँ सिनेरियो, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कहना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। पर मैं कह रहा हूँ अगर होगा तो आप देखिएगा 2023 ये में सब कुछ ये आपका होगा मार्च अप्रैल तक, और उसके बाद में आपका वही सितंबर अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर, तब तक आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो अभी आपका जो है स्वाभाविक सी बात है आपका इलेक्शन अगले साल, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई आपकी ट्रेनिंग तुरंत के तुरंत अभी ट्रेनिंग चली जाएगी, अभी सब कुछ हो जाएगा, अभी इतने जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है, अभी बहुत लंबा गेम चलेगा। तो दूसरी बात है सितंबर अक्टूबर ये आपके क्रूशियल है, ये आपके मंथ क्रूशियल है, इसमें आपके यूपीएसआई वैकेंसी में कोर्ट से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। फाइनल इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल ये होगा कि भाई या तो इस तरफ या उस तरफ, या तो री एग्ज़ाम जो आप बात कर रहे हो, री एग्ज़ाम या जाँच, ठीक है ना, या फिर रिट आपकी कैंसिल, बस या तो इस तरफ बात रहेगी या उस तरफ बात रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि मामला फंसा रहेगा। बस आपको वेट करना है सितंबर अक्टूबर का, इन चीज़ में आपका क्लियर हो जाएगा। पर जो लोग कह रहे हैं कि अभी मेडिकल हो जाएगा, अभी आपकी सितंबर अक्टूबर में ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि अभी बहुत दिल्ली दूर है, कुछ कोई लोग परेशान मत हो, अभी इन चीज़ों में टाइम लगेगा। सो प्लीज़ बी इंश्योर दैट। और ए पी सिंह जी की 10 सितंबर से पहले हियरिंग है, और अभी टाइम लगेगा, अभी चीज़ें व्यवस्थित होने में टाइम लगेगा। तो आपको धैर्य बना के रखना है, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, क्योंकि देखो न्यायिक न्यायिक प्रक्रिया है, वो किसके पाले में गिरेगी कोई नहीं जानता, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो जो आपके एविडेंस हैं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपीएसआई में चयनित हैं और वो ट्रेनिंग पर भी नहीं जाएंगे, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई पीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सबके अपने अपने फंडे हैं। तो ये चीज़ें हैं, कोई लोग कुछ लोग दरोगा में सिलेक्ट हो गए यार, खुशी या नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे देकर गए हैं और परेशान हैं। अभी देखिए 2 से 3 बच्चों की और इन्फॉर्मेशन लेकर के आई है, 2 से 3 बच्चों की और। और ये जो इंटरव्यू वाली बात है, अभी इसकी जो ये बात कितनी सच है कितनी गलत है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इंटरव्यू चलेगा नहीं चलेगा वो भी। पर हाँ ये 2 से 3 बच्चे और हैं जिनकी और इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, और बहुत अच्छा आपका ये एविडेंस के रूप में काम करेंगे, ठीक है। इन दैन बस मैं ये कह रहा हूँ धैर्य बना के रखें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप यूपीएसआई से संबंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। और देखिएगा वीडियो खत्म होती है मेरी यहाँ पे, आगे अगर आपको यूपी कॉन्स्टेबल का मतलब यूपी कॉन्स्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज है, तो भाई देखिएगा ये यूपी कॉन्स्टेबल की चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है ना। ये आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी ये देखिएगा मैथ रीजनिंग की सभी, और आपके पी आई सी एल के जितने भी आपके पेपर्स हैं ये देते हैं चक्षु पब्लिकेशन। और ये देखिएगा पूरा सिलेबस आपका, इसमें आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि यूपीएसआई में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये पूरा देख रहे हो ना, पूरा सिलेबस, ये पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। इसके बाद में आपको गाइड के रूप में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यूज दिए गए हैं, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है ना। और आपका जो है इसमें थ्योरी भी पढ़ाई गई है सब चीज़, क्योंकि गाइड बुक में प्रॉपर सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इनकी देखिए यूपी कॉन्स्टेबल की गाइड बुक तो मैंने आपको बताई थी, ऊपर से इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, देखिए ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेट भी आप चक्षु पब्लिकेशन के ले सकते हैं। तो ये बुक्स हैं, देखिए देखिएगा ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये आपकी सामान्य हिंदी की बुक है, ये मानसिक अभिरुचि की बुक है, ठीक है जी। और ये आपका जो है ये आपकी हिंदी की बुक है,
या आपकी मूल विधि संविधान की बुक अगर आप दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और वहाँ से आप ये बुक्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, इंद्रायण मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखें, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ जानकारी मिलेगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।